हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कुक विद कीतू में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि गार्लिक चीज़ बन कैसे बनता है। बहुत ही जल्दी और 10 मिनट में बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गार्लिक चीज़ बन। ये सबसे पहले मैंने छोटा बन लिया है, अगर आप चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं। मैंने छोटा बन लिया है, आप बर्गर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके मैंने स्क्वायर पीसेस कर लिए हैं छोटे छोटे। अब हम इसमें वेजिटेबल का तैयारी करते हैं। तो देखिए, शिमला मिर्च 1 चम्मच है और प्याज भी 1 चम्मच है और टमाटर भी और गाजर भी। आप इसमें अगर चाहें तो बहुत से वेजिटेबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बंद गोभी वगैरह का भी डाल सकते हैं। हम बाउल लेंगे और बाउल में हम सारी चीज़ों को डाल देंगे। अब इसमें हम अपना चीज़ डालेंगे, जो हमने मोज़ेरा चीज़ लिया है उसको अच्छे से हम कद्दूकस कर देंगे अपने चीज़ को, क्योंकि हमारा सारा जो प्रोसेस है वो चीज़ का ही है कि हमें चीज़ बन बनाना है। तो अच्छे से इसे क्रश करेंगे हाथ से, नहीं तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं इसमें। प्लीज़ गाइस, इसे ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत यमी बनता है। मैंने पहले ट्राई किया था और बहुत ही यमी बना था। अब इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स का बहुत ही यमी मतलब उसकी जो लुक आती है गार्निश की, बहुत ही अच्छी आती है। और ऑरेगानो है, जो ऑरेगानो में मेरा लहसुन वाला, मैंने लहसुन को सुखा के इसको कद्दूकस करके डाला है। और इसके लिए हमने एक पेस्ट तैयार किया है, जो कि इसका जो नाम है वो है गार्लिक। तो गार्लिक तो जरूर बनता ना कि होना चाहिए। इसे मैंने धनिया और लहसुन को अच्छे से पेस्ट बटर में किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने बटर को बिल्कुल मैंने मेल्ट नहीं किया, कि आप देखें कि बटर को बहुत अच्छे से लगाना है, इसके बीच बीच में बटर अच्छे से होना चाहिए। अब इसके ऊपर भी हम जो है हमारा धनिया और बटर गार्लिक है इसको हम अच्छे से लगा देंगे। हर कोने में आप छोड़े नहीं, हर कोने में लगाएं, जो जो कट कट के निशान है उसमें सब में लगाएंगे। अब हमारा इसको हम अच्छे से फिल कर देंगे, अच्छे से भरेंगे इसके अंदर। और बहुत ही वेजिटेबल का अलग टेस्ट आएगा, क्योंकि शिमला मिर्च का अलग टेस्ट है, गाजर टमाटर प्याज का अलग टेस्ट आएगा और चीज़ तो बहुत ही यमी लगेगा इसमें। अब हमने यहाँ पर अपने बटर को डाल दिया है और बटर को अच्छे से हम लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 बन का तैयारी करी है और बहुत ही और ये बहुत से सिर्फ 5 मिनट में ये अच्छे से बन जाएगा। और इसके ऊपर स्टीम के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रखें, जैसे कि मैं अपना लीड रखूँगी। इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये मतलब जल ना, लेकिन जलेगा नहीं, क्योंकि हमने बटर का नीचे हमने पेस्ट जो है रखा है। नीचे मैंने प्लेन बटर लगाया है, गार्लिक वाला नहीं लगाया। अब ये सिर्फ 5 से 7 मिनट में काफ़ी ज़्यादा अब ये बन चुका है हमारा। अब देखें कि कैसे मतलब चीज़ खींच रहा है, बहुत डिलीशियस है ये। तो अब हमारा ये बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा चीज़ बन। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन बिल्कुल भी ना दबाना भूलें। तो थैंक यू सो मच। अब नई वीडियो में हम मिलते हैं।